Hi students, good morning. This is KD sir from Shivam Education. Today we are going to continue with exercise 7.3. Okay, so let's start with question number 1. Find the area of the triangle whose vertices are number 1, 2, 3, minus 1, 0, and 2, minus 4. यहां सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स वन, इधर अगर लिखेंगे तो वाई के वाई टू माइनस वाई थ्री आएगा, प्लस एक्स टू अगर लिखेंगे तो बाद में क्या आएगा, वाई थ्री माइनस वाई टू आएगा, वाई थ्री माइनस वाई वन, और लास्ट में क्या आएगा, एक्स थ्री लिखोगे तो आएगा y1 माइनस y2. ओके, लेट्स सी. आप 1 अपॉन 2 डाल दीजिए, x1 ये है राइट, मतलब y2 माइनस y3 मतलब 0 माइनस माइनस 4, ये हो गया. फिर उसके बाद x2 क्या आएगा, माइनस 1, तो y3 माइनस y2 मतलब माइनस 4 माइनस माइनस 3 बराबर, और x3 क्या आएगा, 2, that is y1 minus y2, 3 minus 0, right? Let's solve. 1 upon 2, 2 minus minus plus हो जाएगा, that is 8 हो जाएगा, minus 4, minus 3, minus 7, plus 7 हो जाएगा, 3, 2, 3 is 6 हो जाएगा, right? 1 upon 2, that is 8, 15, 15 plus 6, 21, 10.5, स्क्वायर यूनिट्स बराबर, ये लिखना भूलना नहीं. ओके राइट, नाउ लेट्स डू दी नेक्स्ट सम का सम करते हैं. अब ये फॉर्मूला वही का वही रख रहा हूं राइट, आप ऐसा मत करना, अलग लिखना. माइनस पाई माइनस वन, थ्री माइनस पाई बराबर, और फाइव टू. चलो लेट्स सी. 1 अपॉन 2, x1 क्या आएगा, माइनस 5, माइनस 5, माइनस 2, राइट. x2 क्या आएगा, 3, ये आएगा y3 माइनस, मतलब y3 ये रिया, 2 माइनस ये हो जाएगा माइनस 1 बराबर, और x3 क्या आएगा, 5, ये आएगा y1 माइनस, तो माइनस 1 माइनस का माइनस 5. यहां पे ध्यान से देखना, माइनस और प्लस का राइट, माइनस 5 माइनस 7, 3 प्लस हो जाएगा, दैट इज 3, 5 ये प्लस हो जाएगा तो 4 में से 1 गया, तो 5 में से 1 गया तो 4 राइट. चलो 1 अपॉन 2, 35, 9, 20. 1 upon 2, 35 plus 9, 44, और ये 64, that is 32 square units. ठीक है, ये हो गया हमारा question number 1. Let's do the question number 2. Question number 2, in each of the following, find the value of k for which the points are collinear. जब points collinear दिया होता है, तो उस triangle का area हमेशा 0 होता है. Right, for the vertices or the points, given points are collinear, then the area of triangle, right, is equal to 0, right. तो ये देखो, 1 upon 2, x1, इसको बड़ा लिख दीजिए, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1, x3, y1 minus y2 is equal to 0, ये डाल दो राइट. अब वैल्यू डाल देते हैं, 1 upon 2, x1 क्या होगा, 7, और ये 1 minus k राइट, x2 क्या होगा, 5, ये हो जाएगा k minus minus 2 राइट सर, और x3 क्या होगा, 3, that is 3 का क्या हो जाएगा, y1 minus y2 मतलब minus 2, फिर minus 1 राइट, इज इक्वल टू 0 डालना भूलना नहीं. तो ये 2 उधर चला जाएगा 0 में, तो ये हो गया राइट. दिस विल गिव 1 माइनस के
प्लस, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 माइनस 7k, 5k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 10, प्लस माइनस 6 और ये माइनस 3, यहाँ तो माइनस 3 करके माइनस 9 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए 7 माइनस 7k प्लस में माइनस 2k लिख दो, 7 प्लस 10 17 बराबर, ये 10 माइनस 9 प्लस 1 8 इक्वल टू 0, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 8, k इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 2, k इक्वल टू 4, राइट। ये आपका फर्स्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 2, 81 k माइनस 4 2 माइनस 5, मैंने फॉर्मूला वही रखा है बराबर, क्योंकि दूसरी बार लिखने जा रहा। अब इसका खाली वैल्यू डालते हैं, 1 अपॉन 2, ये क्या आएगा, x1 क्या है 8, तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 5 माइनस माइनस 5 बराबर, इसलिए शांति से करना, प्लस x2 क्या है k, और ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 1, ओके। फिर x3 क्या है 2, दैट इज ये 2 आया तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, दैट इज प्लस 5 माइनस 4 1, के माइनस 6 प्लस 2 प्लस 4 मतलब 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज 8 माइनस 6k 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 18, देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन माइनस 6, k इज इक्वल टू प्लस 3, ओके गॉट इट। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। Find the area of the triangle formed by the joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are, ये दिया हुआ है, right? So let us form this, right? कौन से है, 0, minus 1, फिर 2, 1, फिर है 0, 3, right? अब इसके midpoints मतलब क्या हो जाएगा, ये, 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 midpoints का formula क्या है, देखे तो, x1 plus x2 upon 2, that is, 0 प्लस 2 अपॉन 2, फिर उसके बाद माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, राइट। इसके क्या आएंगे, 2 प्लस 0 अपॉन 2, दैट इज फिर इसके ये आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2। अब इसके क्या आएंगे, 0 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2, ये एक्चुअली हम लिख देंगे तो क्या होगा आपको 5 समझ पड़ेगा वो डायग्राम में, बाकी जो है ये लिखेंगे बराबर। पहले लेट द, यहां पे लिख देता हूं, लेट द बिग ट्राइंगल इज एबीसी बराबर, एंड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स इस पी क्यू आर बराबर है, ये रखते हैं ए बी सी और ये रखते हैं पी क्यू आर बराबर। नाउ नाउ द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज क्या लिखने का, इधर देखिए 0 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 अपॉन 2 मतलब 1 और ये 0, राइट हो गया। सेकंड q इज q का कैसे आएगा, 2 प्लस 0 अपॉन 2 2 प्लस 0 अपॉन 2 और 1 प्लस 3 अपॉन 2 क्या आएगा, ये बताइए 2 अपॉन 2 मतलब 1 और ये 4 अपॉन 2 मतलब 2, राइट। और R का क्या आएगा, R इज वापस 0 प्लस 0 अपॉन 2 तो वो तो वही 0 ही आएगा, फिर माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2। अब समझ पड़ रहा है आपको डायग्राम में करने का फायदा, 0 और प्लस 2 अपॉन 2 मतलब 1, राइट। नाउ लेट्स फाइंड आउट थ्रू द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला वही लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y2 plus x3
वाई वन माइनस वाई टू, बराबर है, ये लिख देने का, इज इक्वल टू वन अपॉन टू, एक्स वन क्या आएगा इसका देखे तो एक्स वन आएगा जीरो, और वाई टू माइनस वाई थ्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं वन माइनस थ्री, बराबर, इससे जीरो ही होने वाला है। एक्स टू क्या है, टू वाई थ्री मतलब थ्री माइनस माइनस वन, और ये वाई एक्स थ्री क्या है, वापस जीरो, दैट इज वाई वन माइनस वाई टू क्या हो जाएगा सर, वाई वन माइनस वाई टू दैट इज माइनस वन माइनस वन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वन अपॉन टू ये जीरो हो गया, बराबर है, प्लस थ्री प्लस वन फोर, फोर टू ज़ा एट हो गया, और ये जीरो दैट इज वन अपॉन टू इंटू एट दैट इज फोर स्क्वायर यूनिट, ये हमारा बड़े ट्राइंगल का, बराबर। अब छोटे ट्राइंगल का ढूंढते हैं क्योंकि हमको रेशियो ढूंढना है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, वापस वही वन अपॉन टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं अभी तो, राइट, सेम फॉर्मूला को लिखो, एक्स वन क्या हो जाएगा इधर, इधर एक्स वन हो जाएगा वन वन और टू माइनस वन, एक्स टू क्या हो जाएगा वन और थ्री माइनस वन, राइट, दैट इज वन माइनस जीरो, और जीरो दैट इज जीरो माइनस टू, ओके, चलो ये हो जाएगा वन अपॉन टू, टू माइनस वन मतलब वन, वन वन जा वन प्लस वन वन जा वन, और ये जीरो दैट इज वन अपॉन टू इंटू टू दैट इज वन, राइट। आप देखिए रेशियो ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर टू द गिवन ट्राइंगल ए बी सी, बराबर, इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन ट्राइंगल ए बी सी दैट इज वन अपॉन फोर दैट इज वन इज टू फोर, बस इतना ही लिखना है आपको, ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइस इज टेकन इन ऑर्डर आर माइनस फोर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस टू एंड टू थ्री। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल दूर लो, बराबर, सपोज ये दौड़ दिया हमने, राइट, दिस इज ए बी सी डी, अगर ये मैं यहाँ पे लेता हूँ माइनस फोर माइनस टू तो ये आ जाएगा माइनस थ्री माइनस फाइव, ये आ जाएगा थ्री माइनस टू, और ये आ जाएगा टू थ्री, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा हमको अगर इसको दो ट्राइंगल में करना है, ले लीजिए, दिस इज द थिंग ए बी सी और ए डी सी, राइट। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, राइट राइट, लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ये वाला लिख देने का। अब नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू, राइट, ये लिख दिया, फॉर्मूला लिख दीजिए, वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू का आएगा वाई थ्री माइनस वाई वन, और एक्स थ्री का आएगा वाई वन माइनस वाई टू, राइट सर। चलो ये लिखे, दैट इज माइनस, पहला आएगा माइनस फोर, और इसका क्या आएगा माइनस फाइव माइनस माइनस टू, शांति से करना क्योंकि ये आ गया वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर उसके बाद एक्स टू ले लो, एक्स टू क्या आएगा माइनस थ्री, बराबर, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, और यह आएगा वाई थ्री माइनस वाई वन दैट इज माइनस टू माइनस माइनस टू, राइट, ये हो गया, प्लस एक्स थ्री क्या है थ्री, और ये आएगा वाई वन माइनस वाई टू दैट इज माइनस टू माइनस फाइव, राइट, आराम से दैट इज वन अपॉन टू माइनस फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस फाइव प्लस टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री, ये आएगा यहाँ पे माइनस थ्री आएगा माइनस प्लस टू मतलब ये हो जाएगा जीरो प्लस फाइव तो ये हो जाएगा
फाइव माइनस टू क्या हो जाएगा, थ्री, राइट सर। चलो ये हो जाएगा वन अपॉन टू माइनस प्लस ट्वेल्व और नाइन, दैट इज ट्वेल्व प्लस नाइन कितना हो जाएगा, ट्वेंटी वन अपॉन टू स्क्वायर यूनिट, ये लिख लेते हैं, राइट। अब इसको 10.5 भी लिख सकते हैं, और 10.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, आपको जैसा लिखना हो लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, एडीसी इज इक्वल टू, वापस वही फॉर्मूला, तो अभी डायरेक्ट लिखते हैं, राइट, एडीसी, ए सी डी लिख देते हैं, बराबर, ए सी डी, ओके। चलो अब ये हो जाएगा वापस माइनस फोर, माइनस फोर का क्या हो जाएगा, यहां पे थोड़ी सी जगह का प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं इसको यहां पे यूं ले लेता हूं, राइट। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, बराबर, ए सी डी का आ जाएगा वन अपॉन टू, अब ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस फोर और माइनस टू माइनस थ्री, राइट, प्लस थ्री, ये हो जाएगा थ्री माइनस माइनस टू, प्लस फिर हो जाएगा टू, दैट इज ये हो जाएगा माइनस टू, फिर माइनस टू माइनस माइनस टू, राइट, माइनस टू माइनस थ्री, थ्री माइनस माइनस टू, माइनस टू माइनस थ्री, दैट इज वन अपॉन टू माइनस फोर माइनस फाइव, थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, माइनस प्लस टू, मतलब ये हो जाएगा जीरो, राइट, वन अपॉन टू ट्वेंटी प्लस फिफ्टी, दैट इज वन अपॉन टू थर्टी फाइव, 35 upon 2. Therefore, now area of ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of ACD. Right? That is 21 upon 2, 35 upon 2. 21 plus 35 upon 2. 6, 56 upon 2. That is 28 square unit. राइट इस तरह करना है, आराम से करोगे अपने आप आंसर आएगा, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं, ओके, डू इट। चलो कॉपी कर लो, और कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट, आई विल गेट बैक टू यू स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, यू हैव स्टडीड इन क्लास नाइन चैप्टर नाइन एग्जाम्पल थ्री दैट अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इन टू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, वेरीफाई द रिजल्ट। हमको खाली चेक करना है कि मीडियन एक ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है कि नहीं। लेट अस टेक, सपोज दिस इज ए बी सी, ए बी सी, राइट, अब ये है सपोज डी, ओके, दैट इज मीडियन, यार इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन, बराबर, ओके। नाउ ए का क्या दिया हुआ है, फोर माइनस सिक्स, बी का दिया है थ्री माइनस टू, और सी का दिया है फाइव का टू, राइट, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देयरफॉर बी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बराबर, therefore the coordinates of d is क्या आएगा बोलिए, 3 plus 5 upon 2 और minus 2 plus 2 upon 2, that is equal to क्या आएगा, 7 upon 2 और ये 0, right,
ओके चलो ये हमारा एक आ गया। अब हमको क्या करने का, अलग अलग एरिया फाइंड करना है। ओके अच्छा, 3 + 5/2 = 8, 8 मतलब ये कितना हो जाएगा 4, 4 0 राइट। अब चलो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पहले फाइंड करते हैं, ट्राइंगल ए बी डी फाइंड करते हैं। क्या ए बी डी इज इक्वल टू 1/2, डायरेक्ट लिखते हैं एक्स वन क्या आ जाएगा इधर, यहाँ पे 4 0 लिख देता हूँ बराबर। एक्स वन ए बी डी है तो एक्स वन आएगा 4, तो ये हो जाएगा -2 0 राइट, प्लस एक्स टू आएगा 3, तो ये आएगा 0 - 6 बराबर, और एक्स थ्री आएगा 4, तो ये हो जाएगा -6 - 2 राइट। चलो ये क्या आएगा 1/2 - 2 मतलब -8, ये हो जाएगा +6 दैट इज 18, और ये हो जाएगा -6 + 2 मतलब -4, तो ये हो जाएगा -16। ओके चलो 1/2 18 में से 16 क्या, तो 2 -8 और 2 मतलब -6 दैट इज -3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके ये आंसर आया है। लेट अस सी नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा एडीसी, एडीसी इज इक्वल टू वापस वही करते हैं दैट इज अभी वापस यहाँ पे होगा 4, ये हो जाएगा 0 - 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 - -6, फिर इसके बाद ये आएगा 5, तो ये हो जाएगा -6 - 0 राइट, दैट इज 1/2, 4 - 2 मतलब -8 प्लस 2 + 8, 4 + 8 = 2 + 6 = 8, 8 = 32 -6 ये हो जाएगा -30 राइट, दैट इज 1/2 = 8, 38 -38 प्लस ना दैट इज आएगा -6 दैट इज -3, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी वेरीफाइड राइट, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? अच्छा ये जो है एरिया जो है कभी भी क्या हो जाएगा माइनस में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है मोड में लिखने का, -3 = 3 स्क्वायर यूनिट, ये भी ऐसा ही है -3 = 3 स्क्वायर यूनिट। ओके चलो एक मिनट। तो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7.3, आई होप यू अंडरस्टूड। ये सारे सम्स को 2-2 times करके देखो, कोई सम में डाउट है तो प्लीज़ पूछो राइट। ओके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन प्लीज़ प्रेस करो सो दैट आपको बार बार हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके चलो बाय, हैव अ नाइस डे।